गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर एक बार फिर से मैं महिपाल सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में आज स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में अपने पढ़ लिया है कि जो पूरा नर्वस सिस्टम होती है उसको मोस्टली न्यूरॉन्स बनाती है, और न्यूरॉन्स की कुछ सपोर्टिव सेल होती हैं उनको न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं, और ग्लियल सेल्स के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, डिवीज़न, कि न्यूरॉन्स मिलकर क्या कुछ टिश्यूज़ बनाती है, नर्व टिश्यू बनाती है, और नर्व टिश्यू मिलकर बनाते हैं जो नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स को, और इन ऑर्गन्स की लोकेशन के आधार पे, इन ऑर्गन्स के आधार पे अपन नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांट सकते हैं। नर्वस सिस्टम को अपन ने इन ऑर्गन्स के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। तो अपन जो पहला जो पार्ट होगा वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पहला पार्ट है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अपने ऑर्गन्स की लोकेशन के आधार पे देखो बांटा है कि न्यूरॉन्स मिलकर कुछ सिस्टम बना रही है, ग्लियल सेल्स वगैरह न्यूरॉन्स मिलकर बना रही है ऑर्गन्स को, टिश्यू को, टिश्यू ऑर्गन को बना रही है, और ऑर्गन्स की लोकेशन के आधार पे, मतलब कुछ ऑर्गन जो सेंट्रल में ऑक्यूपाइज है और नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है, उस नर्वस सिस्टम के उस हिस्से को बोल दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कुछ है जो कि इसके पेरीफेरी में ऑक्यूपाइज है उसको बोल दिया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम सेंट्रल में ऑक्यूपाइज है उसको बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम पेरिफेरी में ऑक्यूपाइज है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्वस सिस्टम सेंट्रल के अंदर ऑक्यूपाइज है उसको बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ब्रेन, उसके बाद में जो इससे कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, ब्रेन के नीचे एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू है उसको बोला स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे मैंने बनाने की कोशिश की, जैसे ये मैंने बना दिया आपका ब्रेन, और ब्रेन कंटिन्यू है विद स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो, अब इस स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है? नर्व निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है? नर्व निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उसको बोल दिया स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। और जो क्रेनियम से नर्व निकलती है, जो क्रेनियम से नर्व निकलती है उसको बोल दिया क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। ध्यान से सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना ये है जो सेंटर में ऑक्यूपाइज है, ये है सेंटर, और ये इसके पेरिफेरी में जो नर्व निकल रही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहली बात तो ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी न्यूरॉन नर्व नहीं होगी। सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार की नर्व नहीं होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या क्या पार्ट होगा? जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने अकेला बनाया, ये मैंने बना दिया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर ये है सेरिब्रम, सेरिब्रम जो कि नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिब्रम के बाद में आ गया यहाँ पे मिड ब्रेन, फिर मैंने बना दिया पॉन्स, फिर मैंने बना दिया मेडुला ओब्लोगेंटा, और लास्ट में ये जो कंटिन्यू स्ट्रक्चर है उसको बोल दिया स्पाइनल कॉर्ड, और इधर मैंने बना दिया सेरिबेलम। तो ये है सेरिबेलम, ये है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, इसके बाद नीचे वाला मेडुला ओब्लोंगेटा, और लास्ट वाला जो ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर चल रही है ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो अपना है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन का क्या क्या पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगेंटा। ओके, अंडरस्टूड। दूसरी बात, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इसके चारों तरफ जो नर्वस सिस्टम निकल रहा है, जो नर्वस सिस्टम की जो ब्रांचेज है उसको बोल दिया अपन ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब ही परिधि होता है, अर्थात चारों ओर। तो एक बात ध्यान रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर बात करें किसके आधार पे, नर्व के आधार पे, तो नर्व के आधार पे स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या कंपोजिशन अपन बात करें नर्वस सिस्टम का पेरिफेरी की, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या है? बेस्ड ऑन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ से जो निकलता है, जो इसकी ब्रांचेज होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होती है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन नहीं होती। जो क्रेन नर्व है ये नहीं होती, सेंसरी नर्व है, मोटार नर्व है, वो भी इसका ही हिस्सा होता है। तो कंपोजिशन के आधार पर अपन ने बात ये सेंस क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और अगर अपन फंक्शन के आधार पर देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, तो यहाँ से कुछ नर्व होती है जो अपन ने बोला स्पाइनल नर्व होती है जो स्पाइनल कोर्ड से निकलती है, कुछ नर्व जो क्रेनियम से निकलती है। जो क्रेनियम क्या होता है, देखो क्रेनियम जो अपना ब्रेन होता है, ब्रेन को जो जो कवरिंग होती है, ब्रेन की जो कवरिंग होती है इस कवरिंग को बोलते हैं क्रेनियम। और स्पाइनल कोर्ड की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम। तो ब्रेन की कवरिंग को बोला अपन ने क्रेनियम, स्पाइनल कोर्ड की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को अपन ने बोला वर्टिब्रल कोलम। प्रोटेक्शन के लिए ये होती है, ये होती है प्रोटेक्शन के लिए, इन दोनों का प्रोटेक्शन करती है। अब इनसे जो पेरिफेरी से निकल रहा है, अब जो स्पाइनल कोर्ड से नर्व निकल रही है उनको स्पाइनल नर्व बोल दिया, क्रेनियम से जो नर्व निकलती है वो क्रेनियल नर्व है। तो ये तो क्या हो गया, ओरिजिन के आधार पर हो गई, ये तो क्या हो गई ओरिजिन के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे। तो अपन ये से याद रख सकते हैं, इनको अपन बेस्टली बोल सकते हैं कि ये कहाँ से निकल रही है नर्व है, नर्व ओरिजिन के आधार पे बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन या नर्व ओरिजिन के आधार पे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व है। जबकि फंक्शन के आधार पे इसमें से कुछ नर्व होती है, इन्हीं नर्वों में से कुछ नर्व होती है सेंसरी नर्व है और कुछ नर्व होती है मोटार नर्व है। तो इन्हीं में से कुछ होती है सेंसरी नर्व है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा क्लासिफिकेशन है ये, सेंसरी नर्व है और मोटार नर्व है। सेंसरी नर्व है और मोटार नर्व है, ठीक है। अब अपन आगे कंटिन्यू चलते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को भूलो, ओरिजिन के आधार पर नर्व के ओरिजिन के आधार पर क्रेनियम और स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद में फंक्शन के आधार पर, नर्व फंक्शन के आधार पर अपन ने बांट दिया इसको सेंसरी के अंदर और मोटार के अंदर। पेरिफेरिक नर्वस सिस्टम को बांटा दो भागों में, एक तो था सेंसरी और मोटार के आधार पर, एक था स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के आधार पर। स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, सेंसरी और मोटार, ठीक है। अब सेंसरी नर्व के अंदर भी कुछ तो होती है स्पेशल सेंसस नर्व और कुछ होती है जनरल सेंसस। कुछ होता है स्पेशल सेंसस, स्पेशल सेंसर, और कुछ होता है जनरल सेंसस, कुछ होता है जनरल सेंसर। अब देखो एक चीज़ समझना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है जो सेंटर के अंदर है,
जो क्या है सेंटर के अंदर है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, देखो अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह होता है, जो कि क्या करता है इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, गेन करने के बाद में उसका एनालिसिस करता है और लास्ट में रिजल्ट निकालता है और रिजल्ट के तौर पर वो कुछ कमांड कर देता है या कुछ एक्ट करता है। उसी प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी क्या करता है कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको गेन करना, गेन करने के बाद में उसको कमांड देना या उसके अगेंस्ट एक्शन करना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे जैसे अपने पढ़ा सेंसरी और मोटार नर्व है। सेंसरी का मतलब होता है कुछ सेंसरी रिसेप्टर होते हैं या सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अपना हाथ है, हाथ के ऊपर कुछ कॉकरोच कुछ बैठ गया, जैसे मधुमक्खी बैठ गई या कॉकरोच बैठ गया, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे सेंसरी नर्व प्रेजेंट है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम का ही पार्ट है सेंसरी नर्व है, तो सेंसरी नर्व के सेंसरी रिसेप्टर मौजूद होते हैं, वो स्टूमुलेट होती है और यहाँ से ये मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब ये मैसेज जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को इस सेंसरी नर्व के द्वारा रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद में जो पुरानी मेमोरी है उसको खंगालता है, रिजल्ट निकालता है कि ये तो कॉकरोच है, ये तो मधुमक्खी, ये तो ख़राब चीज़ है, ये तो नुकसानदायक है, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, इसको भगाओ यहाँ से, है ना। तो वापस मोटार न्यूरॉन के थ्रू, यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसकी मोटार न्यूरॉन के थ्रू ये क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा या कमांड भेजेगा कि इसको तुरंत उड़ाया जाए, ठीक है, समझ गए बात। या फिर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी तो क्या हुआ, अब देखो गाली दी तो ये क्या हो रहा है, सेंस पहले क्या हुआ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा स्टूमुलेट होगा, सेंसरी जो नर्व है वो स्टूमुलेट हो गया, सेंसरी पार्ट होगा वो स्टूमुलेट होगा। तो देखो सेंसरी पार्ट में कुछ आते हैं स्पेशल सेंसेज, स्पेशल सेंसेज के अंदर आता है साइट मतलब विजन, साइट के अलावा टेस्ट के अलावा ओल्फैक्शन, साइट टेस्ट ओल्फैक्शन और हियरिंग, ठीक है। साइट का मतलब क्या हो गया देखना, टेस्ट का मतलब स्वाद का चखना, ओल्फैक्शन का मतलब सूंघना और हियरिंग का मतलब सुनना। तो इसको स्पेशल सेंसेस क्यों बोला गया, क्योंकि ये कुछ स्पेशल ऑर्गन्स के द्वारा ही परसीव्ड किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। साइट है, सिर्फ आप आंखों से देख सकते हो, आपके पैरों से थोड़ी देख सकते हो, तो स्पेशल सेंसेस के अंदर वो सेंसेस आते हैं जो कि स्पेशल ऑर्गन के द्वारा ही परसीव्ड किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और जनरल सेंसेस के अंदर जो कि बॉडी में कहीं से भी, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन बॉडी में कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, जो सेंसेस बॉडी में कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, उनको जनरल सेंसेस बोलते हैं। जैसे कि टच, बॉडी में कहीं भी टच करोगे तो सेंसरी नर्व स्टूमुलेट होगी, सेंसरी रिसेप्टर स्टूमुलेट होंगे और सेंसरी नर्व के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी कि आपको किसने टच किया, तो आपका ब्रेन उसके अगेंस्ट कमांड करेगा। टच हो गया, टच के अलावा पेन हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, टच पेन कोल्ड हीट प्रेशर, तो ये सब चीज़ें क्या है जनरल सेंसेज। ये बॉडी में कोई से हिस्से में प्रेशर पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप क्या अपने पैरों से देख सकते हो, नहीं देख सकते, आप सिर्फ आंखों से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सेंसरी कुछ स्पेशल सेंसेज होते हैं सेंसरी नर्व के अंदर और कुछ जनरल सेंसेज होते हैं। स्पेशल सेंसेज जो स्पेशल ऑर्गन द्वारा परसीव्ड किए जाते हैं और जनरल सेंसेज जो कि बॉडी में कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मददगार होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देना और नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा जो कमांड दी जाती है उसको वापस ले जाने का काम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, कंप्यूटर है, ये मानो अपना कंप्यूटर का सीपीयू है। ये क्या होती है, यहाँ पे सेंसरी नर्व न्यूरॉन द्वारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आती है, मतलब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई, अब इस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट क्या करेगा,
कुछ पुरानी जो यादें उनको खंगालेगा, देखेगा कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन किससे रिगार्डिंग है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दूँ, स्पेशल सेंसेस का उदाहरण देख के दूँ, जैसे आपको किसी ने गाली दी तो आपका कौन सा सेंसर काम किया, आपका सेंसर काम किया हियरिंग वाला, स्पेशल सेंसर काम किया। तो हियरिंग मतलब स्पेशल सेंसर कानों में आपको वो गाली की आवाज़ सुनाई दी, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, सेंसरी नर्व है। तो सेंसरी नर्व के द्वारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है अपने इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन के पास। ब्रेन देखता है गाली दी क्या बोला, उसको खंखा लेगा, इन्फॉर्मेशन को खंखा लेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करेगा, गेन करेगा, फिर उसके अगेंस्ट एनालिसिस करेगा कि ये गाली इसने तो कुछ गलत बोला, गलत बोला तो ये वापस मैसेज देगा, ये वापस मैसेज देगा किसके द्वारा, मोटार न्यूरॉन के द्वारा। मोटार इन्फॉर्मेशन जो होगी मोटार न्यूरॉन के द्वारा ली जाएगी। सेंसरी नर्व तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है, मतलब सेंसरी नर्व क्या करती है, ब्रिंग्स द सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटार नर्व क्या करती है, ब्रिंग्स अप वापस लाना द कमांड, मोटार कमांड फ्रॉम CNS। ठीक है, अब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन गई यहाँ पे एनालिसिस, अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में ये कमांड देगा, गलत बोला इसने तो, गलत बोला तो ये मोटार न्यूरॉन के द्वारा वापस आएगी। मोटार जो सेंसरी नर्व थी उसने तो ले जाने का काम किया, और मोटार नर्व क्या करेगा, ये जो रेस्पॉन्स होगा या कमांड होगी, मोटार कमांड होगी, उसको वापस पेरीफेरे तक पहुँचाएगा। अब देखो पेरीफेरे तक पहुँचा के क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। अब क्या हुआ, ये तो सेंसरी तो कंप्लीट हो गया, अब मोटार के बारे में बात करते हैं। सेंसरी दो प्रकार का था, स्पेशल सेंसर और जनरल सेंसर्स। अब मोटार के बारे में बात करते हैं। सेंसरी नर्व दो प्रकार की हो गई, मोटार नर्व भी दो, मोटार फंक्शन भी क्या होगा, सेंसरी फंक्शन हो गया, दूसरा मोटार फंक्शन। मोटार फंक्शन में क्या होगा, मोटार फंक्शन को भी अपन दो भागों में बांटेंगे, मोटार फंक्शन को भी अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो क्या होगा, मोटार के अंदर जो मोटार कमांड दी जाएगी वॉलंटरी मसल्स को, जो मोटार मसल्स मोटार कमांड या मोटार इन्फॉर्मेशन वापस दी जाएगी, या मोटार कमांड ब्रेन के द्वारा मोटार न्यूरॉन के द्वारा मोटार कमांड दी जाएगी, वो अगर वॉलंटरी मसल को दी जाती है, वॉलंटरी मसल्स लाइक स्केलेटल मसल तो उसको बोलेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब आपको किसी ने थप्पड़ मारा, नहीं गाली दी तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन गई सेंसरी स्पेशल सेंसरी सेंसर्स के द्वारा, इन्फॉर्मेशन गई यहाँ तक ब्रेन तक, ब्रेन ने उसको पिक किया, गेन किया, रिजल्ट निकाला, गलत बोला इसने, गलत बोला तो आपकी कमांड मोटार कमांड आएगी मोटार न्यूरॉन के द्वारा, और वो किसको जाएगी, वॉलंटरी मसल्स को, मतलब अपनी स्केलेटल मसल्स को जाएगी कि मारो इसके एक चांटा, मारो इसके एक थप्पड़, तो एक पड़ेगी उस अगले व्यक्ति के थप्पड़। तो ये कमांड गई है, मोटार कमांड आई है अपने सोमेटिक नर्वस सिस्टम के पास, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब अपनी स्केलेटल मसल्स के पास, मतलब अपने इस हाथ के पास, और हाथ ने ब्रेन के आदेश के अनुसार मारा एक चनपट, मारा एक थप्पड़। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर मोटार में तो एक तो अगर क्या हुआ, मोटार कमांड जा रही है वॉलेंट्री मसल्स को, और अगर ये मोटार कमांड जाती है स्मूथ मसल लाइक इज ग्लैंड्स और अदर इंटरनल ऑर्गन। तो देखो अगर मोटार कमांड वॉलंटरी मसल्स को दी जाती है तो वो तो हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम, अगर मोटार कमांड दी जाती है स्मूथ मसल्स को लाइक एज कार्डियक मसल्स ग्लैंड्स वगैरह, तो इनको दी जाती है तो वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, तो इसको बोल दिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
ये तो हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें वॉलेंट्री मसल्स आती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर मोटार कमांड दे जाती है इनवॉलेंट्री मसल्स को, किसको? इनवॉलेंट्री मसल्स को। अगर मोटार कमांड दी जाती है इनवॉलेंट्री मसल्स को, अर्थात इनवॉलेंट्री मसल्स लेके स्मूथ मसल्स मतलब कार्डिक मसल्स वगैरह, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लैंड्स, कार्डिक मसल्स या ग्लैंड्स, तो इसको पूरे को अगर मोटार कमांड इनवॉलेंट्री मसल्स को या स्मूथ मसल्स को दी जाती है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो नर्वस सिस्टम के उस मोटार हिस्से के आधार पर उसको बांट दिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। तो सोमेटिक और ऑटोनॉमिक दो नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी और मोटार के आधार पे, फंक्शन के आधार पे अपने बांट दिया सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब अगर मोटार कमांड दी जाती है इनवॉलेंट्री मसल्स को, लाइक एज स्मूथ मसल्स, लाइक एज स्मूथ मसल्स में कार्डिक मसल्स और ग्लैंड्स। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स को कमांड दी जाती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही भी क्या आता है, दो भागों में बांटते हैं अपन। एक तो कमांड, मोटार कमांड इनवॉलेंट्री मसल्स को दी जाती है ड्यूरिंग रेस्ट। अगर मोटार कमांड इनवॉलेंट्री मसल्स को मतलब हार्ट को और अदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन है और ग्लैंड्स हैं उनको दी जाती है ड्यूरिंग रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट में अगर मोटार कमांड दी जाती है अपने इंटरनल ऑर्गन स्मूथ मसल्स को, ग्लैंड्स को, तो उसको तो बोलते हैं पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है पैरासिम्पेथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक मतलब आपको किसी भी प्रकार की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। जब आप रेस्ट में होते हो, जब आप टेंशन मुक्त रहते हो, फ्री होते हो, किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं रहता है, भय नहीं रहता है, फियर नहीं रहती है, एंजाइटी नहीं रहती है, तो आपको क्या किसी भी प्रकार की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको ड्यूरिंग जब रेस्ट दी जाती है तो उसको बोलते हैं पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये नॉर्मल जब बॉडी होती है ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट, जब नॉर्मल बॉडी होती है, बॉडी जब नॉर्मल अवस्था में होती है, तब जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा काम करता हुआ होता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं ईट एंड डाइजेस्ट। कि जब आप रेस्ट करते रहते हो तो आपके पूरा बॉडी सिस्टम शांत रहता है, सिर्फ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिविटी करता रहता है। तो आपको भी, आपको कभी भी पूछा जाए पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होता है अगर तो क्या होगा, तो पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो पूरी बॉडी क्या होगी, स्लो डाउन होगी, सिर्फ फास्ट अप कौन होगा, जीआई सिस्टम, लाइक एज वेगस नर्व है, वेगस नर्व पैरासिम्पेथेटिक एक्शन करती है। वैसे वेगस नर्व मिक्स नर्व होती है, है ना, सेंसरी और मोटार का दोनों का काम करती है। उसका मोटार फंक्शन में होता है पैरासिम्पेथेटिक एक्शन। पैरासिम्पेथेटिक में क्या होता है, पूरी बॉडी स्लो, जैसे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपिनिया, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। उदाहरण तो दिया मैंने, तो रेस्टिंग स्टेट में जब, या फिर बॉडी जब नॉर्मल अवस्था में होती है, नॉर्मल स्टेट होती है, रेस्टिंग स्टेट में जब बॉडी होती है तो नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा काम करेगा उसको बोला पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम, जिसको ईट एंड डाइजेस्ट भी बोल सकते हैं, कि इस समय सिर्फ खाने का पाचन होता है। दूसरा, जब आप क्या होते हो, फियर में होते हो, जब आपके एंजाइटी होती है, फियर और फाइट और फ्लाइट जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग फियर, जब आपका नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट काम करेगा उसको बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, समझे? मतलब जब इस नर्वस सिस्टम को अपन बोल सकते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर फाइट एंड फ्लाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, अब जब आप किसी डर में होंगे, आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा होगा,
आपने आंखों से देखा सामने कुत्ता आ रहा है, कुत्ता आया, आंख स्पेशल सेंसेस काम किया, स्पेशल सेंसेस से मैसेज CNS के पास गया, CNS ने कहा कुत्ता अरे ये तो खा जाएगा, तो वापस मैसेज आएगा, मैसेज किसके पास आएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास आएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट था आपको बता दिया गया, मैंने मोटार के अंदर ही अपने पढ़ लिया, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक मतलब इन्वॉलेंट्री मसल्स को काम करवाना है साथ साथ, कि आपको भागना है, भागना है तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको कार्डिक आउटपुट ज़्यादा निकालना है तो हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, सांस की जो रफ्तार है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, पूरा बॉडी सिस्टम की जो जैसे आपका हर्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप थोड़ी हो जैसे मेरे हाथ है, मैंने इसको यहाँ पर रोक लिया, आप हर्ट को यहाँ थोड़ी रोक लोगे, नहीं रोक सकते। तो वो किसका पार्ट है, इन्वॉलंटरी मसल्स है। इन्वॉलंटरी मसल्स किस में आती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो इन्वॉलंटरी मसल्स को कमांड दी जाती है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती है, और ड्यूरिंग फियर फ्लाइट और फाइट फियर और एंजाइटी के टाइम में। तो ये नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा तो बॉडी फास्ट अप हो जाएगी और GI सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये तब काम करेगा जब आपकी बॉडी में आपको किसी भी प्रकार की एंजाइटी होगी, आपको किसी भी प्रकार का भय होगा, फियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो PNS आपको समझ लिया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ PNS में अपने क्या क्या पढ़ा। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है पेरीफेरी से निकलने वाला नर्वस सिस्टम, मतलब क्रेनियम और स्पाइनल से, मतलब ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जैसे ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है तो ये साइड वाला जो सिस्टम है उसको बोल दिया ये साइड वाला पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल के अलावा नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा जो अराइज होता है स्पाइनल से क्रेनियम से उसको बोल दिया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक तो ओरिजन के आधार पर इसको अपने स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के नर्व में बांट दिया, और एक इसके फंक्शन के आधार पे इसको सेंसरी और मोटार के में बांट दिया। सेंसरी को अपन ने बताया कि एक कुछ तो स्पेशल सेंसेज होते हैं जो स्पेशल ऑर्गन द्वारा परसीव किए जाते हैं, जैसे साइट हो गया देखना, जैसे ओल्फैक्शन हो गया सूंघना, जैसे टेस्ट हो गया चखना, जैसे हो गया हियरिंग, ओके। और जनरल सेंसेज जो बॉडी में कहीं से भी परसीव किए जा सकते हैं, जैसे टच कहीं पर भी करो पता चलेगा, प्रेशर कहीं डालो, पेन कहीं भी हो, हीट कहीं पे भी हो, तो इन सब से पता चल जाता है, तो जनरल सेंसेज। फिर मोटार के अंदर सेंसरी में स्पेशल सेंसर और जनरल सेंसेज थे, मतलब फंक्शन के आधार पे, और मोटार सेंसर के अंदर मोटार इन कमांड अगर CNS के द्वारा दी जाती है वॉलेंट्री मसल्स को, लाइक एज स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, तो उसको बोल दिया सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और वो मोटार कमांड इनवॉलेंट्री मसल्स को, लाइक एज स्मूथ मसल्स, लाइक हेड की मसल ग्लैंड्स को दी जाती है, तो उसको बोल दिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब जो कि फियर और एंजाइटी के समय नर्वस सिस्टम का हिस्सा काम करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और रेस्ट के टाइम जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा काम करेगा वो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर अपन ने बात करनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड का। ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोल दिया क्रेनियम, और स्पाइनल कोड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोल दिया वर्टिब्रल कोलम। ब्रेन के फिर अपन ने पार्ट बताए कि ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है, ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा होता है, और सेरिबेलम होता है। इनमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। एक अदर क्लासिफिकेशन ब्रेन की बात करें, जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन का हिस्सा ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम मिड ब्रेन, पॉन्स सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोगेंटा, मेडुला ऑब्लोगेंटा से कंटिन्यू होता है स्पाइनल कोड। कि ब्रेन के साथ जो कंटिन्यू स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड है। अब ब्रेन का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रेन में देखो एक क्लासिफिकेशन तो होता है क्लासिफिकेशन, और ब्रेन की बात करें, ब्रेन के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक जो ब्रेन का पार्ट होता है उसको बोल दिया अपने सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, एक होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम,
सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के तीन हिस्से होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन ये खाली स्पेस होता है, मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है, सिर्फ सेरिब्रल न्यूक्लिया ही होती है, सेरिब्रल न्यूक्लिया ही होते हैं। अपन बाद में बात करेंगे न्यूक्लिया क्या चीज़ है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, मोस्टली इंस्पिरेटरी सेंटर बोल सकते हैं। और केवल पूछे कि रेस्पिरेटरी सेंटर तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही बोलना है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में काम सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, लेकिन जब आपको फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना होता है, एक्सपायरेशन करना होता है, तो ये एक्सपायरेटरी सेंटर के रूप में पॉन्स भी काम करता है। तो एसोसिएटेड ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सेंटर का पॉन्स, ठीक है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। सेरिब्रल को दो भागों में बांटा गया है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा, राइट और लेफ्ट के अंदर। और सेरिब्रम के बारे में आगे की बात नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, सेरिबेलम ये क्या करता है, बॉडी बैलेंस बनाने का काम करता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन तो ये होता है, एक क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो जैसे फोर ब्रेन लिखा मैंने, ब्रेन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो ये है। सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें, सेकंड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्रोज एनसेफेलोन, प्रोज एनसेफेलोन, प्रोज एनसेफेलोन अर्थात फोर ब्रेन को बोला मैंने। इसके दो भाग बताए, पहला होता है टेलेनसेफेलोन, टेलेनसेफेलोन, टेलेनसेफेलोन का ही दूसरा नाम क्या होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा होता है डाइएनसेफेलोन, डाई एन सेफेलोन। डाई एन सेफेलोन के अंदर क्या आता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गेंगलिया, और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम तो डाइएनसेफेलोन के अंदर चार पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गेंगलिया और लिम्बिक सिस्टम। फोर ब्रेन जिसको प्रोएनसेफेलोन बोला, प्रोएनसेफेलोन में टेलेनसेफेलोन और डाइएनसेफेलोन आया, और डाइएनसेफेलोन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और बेसल गेंगलिया आया। उसके बाद में बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। ये तो हो गया फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के बाद में हो गया मिड ब्रेन। इधर लिख देता हूँ मैं, देखो दो नंबर है मिड ब्रेन, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। पहला क्लासिफिकेशन तो समझ में आया हुआ ये ना, तो पहला तो हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हुआ फोर ब्रेन, फिर दूसरा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन खाली होता है, इसमें कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ सेरिब्रल जो न्यूक्लिया ही होती है वो होती है। अगर मिड ब्रेन के दूसरे नाम के बारे में बात करें कि मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेसेनसेफेलोन, इसका ही दूसरा नाम होता है मेसेन, मेसेनसेफेलोन। मिड ब्रेन का ही दूसरा क्या नाम है, मेसेनसेफेलोन। तो फोर ब्रेन प्रोजेनसेफेलोन, प्रोजेनसेफेलोन में टेलेनसेफेलोन और डाइएनसेफेलोन, फिर मेसेनसेफेलोन, और फिर सबसे लास्ट में होता है रोबेनसेफेलोन, मतलब हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ब्रेन का तीसरा भाग है हिंड ब्रेन, इसको रोजेम्बसेफेलोन बोला। रोमबेन, रोमबेनसेफेलोन, क्या बोला, रोमबेनसेफेलोन। हिंड ब्रेन का ही दूसरा नाम है रोमबेनसेफेलोन। रोमबेनसेफेलोन में ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेटेनसेफेलोन, रोमबेनसेफेलोन अर्थात हिंड ब्रेन, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेटेनसेफेलोन,
मेटेनसेफेलोन, एक होता है माइलेनसेफेलोन, माइलेनसेफेलोन। मेटेनसेफेलोन के अंदर क्या आता है? मेटेनसेफेलोन के अंदर आता है पॉन्स और सेरिबेलम, सेरिबेलम। मेटेनसेफेलोन के अंदर आता है पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेनसेफेलोन के अंदर आता है मेडुला ऑब्लोगेंटा और मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि होता है कंटिन्यू विद स्पाइनल कॉर्ड, कंटिन्यू विद स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का दो भाग थे, ब्रेन के दो तीन भाग थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इस क्लासिफिकेशन के आधार पे। और उस क्लासिफिकेशन में सेरिब्रम, ब्रेन स्टीम और सेरिबेलम। ब्रेन स्टीम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोगेंटा था, और इधर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब प्रोजेनसेफेलोन, प्रोजेनसेफेलोन में टेलेनसेफेलोन अर्थात सेरिब्रम, डायनसेफेलोन जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन जो मेसेनसेफेलोन खाली होता है, और रोम्बेनसेफेलोन हिंड ब्रेन होता है जिसमें मेटेनसेफेलोन और माइनसेफेलोन होता है। मेटेनसेफेलोन में पॉन्स और सेरिब्रम, और माइलेनसेफेलोन में मेडुला ऑब्लोगेंटा जो कि कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्लासिफिकेशन होता है ब्रेन का। ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्रेनियम बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं अपन क्या क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब बात करते हैं कुछ ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर के बारे में बात करेंगे। ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है? जैसे मैंने एक बनाई मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का एक्सोन है, ये सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी चूंकि ग्रे कलर की होती है, और वाइट मैटर कहां प्रेजेंट होता है? माइलाइन सीट की वजह से एक्सोन के ऊपर, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। तो एक्सोन बना हुआ था वाइट मैटर का, और सेल बॉडी होती है ग्रे मैटर की, तो ये बात भी दिमाग में रखना है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन के अंदर ये कैसे अरेंज होती है? ब्रेन के अंदर ये सेल बॉडी होती है, इसके पेरीफेरी में अर्थात इसकी ये जो लाइनिंग है यहाँ पे सेल बॉडीज होती है, ठीक है? ये हिस्सा तो ब्रेन के अंदर सेल बॉडी पेरीफेरी के अंदर पाई जाती है, मतलब इसकी परिधि में, मतलब इसके चारों ओर पाई जाती है। और ब्रेन में जहाँ सेल बॉडी होती है उस हिस्से को बोलते हैं कॉर्टेक्स, लाइक ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ब्रेन के अंदर ये मैंने ब्रेन बनाया, सेरिब्रम हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेंटा हो गया, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड हो गया। मैंने उल्टा बना दिया लेकिन सीधा बनना चाहिए ना, ये सेरिबेलम हो गया। तो ब्रेन के अंदर सेल बॉडीज पाई जाती है किधर? पेरीफेरी के अंदर। और पेरीफेरी में जहाँ पे सेल बॉडी ब्रेन में पाई जाती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स अर्थात सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और कुछ अपवाद स्वरूप कुछ जो सेल बॉडी है वो अगर सेंटर में रह जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। कुछ अपवाद स्वरूप सेल बॉडीज अगर सेंटर में रहती है उनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। और इन न्यूक्लियाई को, जैसे अपन को पूछा जाए कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात चल रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जहाँ पे सेल बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ब्रेन के अंदर जहाँ सेल बॉडी होती है उसको बोल दिया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना हुआ होता है और वहाँ पे सेल बॉडी होती है। कुछ सेल बॉडी अगर सेंटर में रह जाती है
मतलब इस 20 वाले पार्ट में, अर्थात इस मेडुला पार्ट में अगर रह जाती है सेल बॉडी, तो इन सेल बॉडी के गुच्छे को, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बोल दिया न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। फिर ये सेल बॉडी क्या निकलती है, इन सेल बॉडी का एक्सोन जाता है इधर, रन करता है एक बंडल के रूप में, बंडल के रूप में सेल बॉडी का एक्सोन, एक्सोन रनिंग थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सोन्स रनिंग थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बंडल ऑफ एक्सोन रनिंग थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सोन और बंडल ऑफ एक्सोन, एक्सोन रनिंग थ्रू द CNS, मतलब CNS के अंदर जो आगे की तरफ जो इन एक्सोन्स का गुच्छा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रैक्ट, उसको बोलेंगे अपन ट्रैक्ट, ठीक है। वहीं पे अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है तो उसको बोलते हैं गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं गैंग्लिया, और बंडल ऑफ एक्सोन रनिंग थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं नर्व, नर्व सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व नहीं पाई जाती। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन PNS, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन PNS उसको बोलते हैं गैंग्लिया, और बंडल और नेटवर्क और एक्सोन जो कि रनिंग करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको बोल दिया नर्व, मतलब बंडल ऑफ एक्सोन और ग्रुप ऑफ एक्सोन रनिंग थ्रू द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको बोल दिया नर्व। तो ब्रेन के अंदर तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर पाया जाता है पेरिफेरी में, और व्हाइट मैटर पाया जाता है सेंटर में। वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर पाया जाता है सेंटर में और व्हाइट मैटर पाया जाता है पेरिफेरी में, ये बात भी ध्यान रखना है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर सेंटर में, व्हाइट मैटर पेरिफेरी में, और ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर पेरिफेरी में पाया जाता है, जहाँ पे ग्रे मैटर और सेल बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर जो वहाँ पे एक्सोन होता है वो या व्हाइट मैटर होता है उसको बोलते हैं मेडुला, सिर्फ ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड में तो ग्रे मैटर सेंटर में होता है, जबकि पेरिफेरी जो ब्रेन होता है उसमें ग्रे मैटर होता है वो पेरिफेरी में होता है। तो ये हुआ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की कहानी। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन दोनों, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से। तब तक के लिए थैंक यू।